कोई काम करें, आज जब करते हैं तो पूरा कर देते हैं। पहला ये खोला फॉर्म, तो ये फॉर्म ओपन हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस फॉर्म को अब फिलअप करते हैं। अगेन मैं सैम्पल कर रहा हूँ आपको अपने हिसाब से, तो स्टडी परमिट के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, तो मैं सैम्पल कर रहा हूँ। और मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट और गवर्नमेंट बॉडी तो हूँ नहीं, तो अगर आप कुछ लेंगे इस वीडियो से तो आप अपने रिस्क पर लेंगे। ऑल राइट दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। UCI यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफायर, देखिए मैंडेटरी फील्ड नहीं है, तो ये एक क्लाइंट स्पेसिफिक होता है, और जब आप IRCC से कम्युनिकेट करते हैं तो वो इससे आपको ट्रैक करता है। ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, और स्पेशली जब आप पहली बार कर रहे हैं तो ये आपके पास होगा नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपके पास है तो कर दिए, क्योंकि एनी वे अगर आपने पहले कभी किसी भी तरह का वीज़ा अप्लाई किया है तो आपका एक UCI होगा और वो लोग वो निकाल ही लेंगे। आपने इंग्लिश किया फुल नेम जैसे आपके पासपोर्ट में दिखा रहा है, तो मैं एक सैंपल डाल रहा हूँ, ठीक है। ओह सॉरी, फैमिली नेम आया पहले आपका, तो मैं स्मिथ दिया और गिवन नेम। आपने कोई और नाम यूज़ किया पहले, मैंने नो कर दिया। ये देखिए इंटरेक्टिव फॉर्म है, तो आपके जिस तरह से आप इंटर करो उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। डेट ऑफ बर्थ, तो हमने जहाँ मुझे यहाँ तक याद है हमने वो डाला था ना, 1998 फरवरी 5, सिटी ऑफ बर्थ न्यू, ये आपके पासपोर्ट में होगा। मैं सैंपल डाल रहा हूँ, आप पिछले 5 साल में आप किसी भी कंट्री में अदर देन जो आपका कंट्री ऑफ सिटीजनशिप हो और जहाँ पर आप अभी रह रहे हो, आप उससे में 6 महीने से ज़्यादा रहे हो, मैंने नो कर दिया। लेकिन अगर आप रहे हो तो आप ज़रूर करना। आप किस कंट्री से अप्लाई करो जहाँ पर आप हो अभी, मैंने यस किया। आपकी करेंट मैरिटल स्टेटस क्या, मैंने सिंगल कर दिया। नीचे आते हैं, आप पहले कभी शादीशुदा रहे हो, मैंने नो कर दिया। नेटिव लैंग्वेज आपकी मदर टंग क्या है, तो इस सैम्पल केस में इंडिया से अप्लाई कर रहा है दिल्ली साइट से, तो मैं हिंदी कर देता हूँ। आप इंग्लिश या फ्रेंच में कम्युनिकेट कर सकते हो, मैंने इंग्लिश कर दिया। आप एक टेस्ट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी से लिए हो, मैंने यस कर दिया। भाई स्टूडेंट वीजा के लिए जा रहा, तो ऑब्वियसली लिए ही है। पासपोर्ट नंबर एक सैम्पल डाल देता हूँ मैं, कंट्री ऑफ इशू इंडिया कर दिया मैंने। इशू डेट एक डेट डाल देता हूँ मैं, सैंपल है गाइस। आप इस ट्रिप के लिए ताइवान का पासपोर्ट यूज़ करोगे या इसराइली पासपोर्ट, तो ये डिसेबल हो गया क्योंकि ऊपर आपने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। आपके पास नेशनल आईडी डॉक्यूमेंट है, तो दोस्तों मैंने जब पहली बार अप्लाई किया था तो मैंने अपना पैन कार्ड इंडिया से डाला था और वो हैप्पीली एक्सेप्ट हो गया था। तो आजकल तो इंडिया में बहुत कुछ जैसे आधार वगैरह भी हैं, तो वो भी आप डाल सकते हो। और ये मैंडेटरी नहीं है, जैसे कि पैन कार्ड में होता है उसमें एक्सपायरी डेट नहीं होता, तो मैंडेट मैं छोड़ देता हूँ। बट आपका आप जो भी डाल रहे हो पूरा प्रॉपर तरीके से, और आपकी कंट्री के हिसाब से चेंज होगा। USPR कार्ड ग्रीन कार्ड है आपके पास, मैंने नो कर दिया। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, हाँ भाई ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, हर फील्ड ही इम्पोर्टेंट है। सैम्पल एड्रेस है दोस्तों, ये एड्रेस पे मैं नहीं रहता। रेसिडेंशियल सेम है अबव, मैंने यस कर दिया, तो ये डिसेबल हो जाएंगे। तो फॉर्म इंटरेक्टिव है नो डाउट। टेलीफोन नंबर, एक टेलीफोन नंबर तो देना ही पड़ता है, मैंने अदर का कर दिया। मैंने इंडिया का आप कर रहे हो तो आप सेलेक्ट कर लो सेलुलर, इंडिया कंट्री कोड हो जाता है आपका 91, तो ठीक है। ईमेल एड्रेस सैम्पल CACC, ओके सैम्पल गाइस। हाँ अब आपको जो स्टडी करने जा रहे हो वह कहाँ वहाँ की डिटेल देनी है। ऑफकोर्स आपको लेटर देना पड़ता है, बट यहाँ पे आपको ये भी डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी, ठीक है। आपका नेम ऑफ स्कूल, तो मैं जस्ट सैम्पल डाल दे रहा हूँ, तो
टोरंटो आईटी कॉलेज। माय लेवल ऑफ स्टडी ये इम्पोर्टेंट है। मास्टर्स डिग्री आप कर रहे हो, फील्ड ऑफ स्टडी आप अपने हिसाब से दे देना। प्रोविंस, लेट से आप ऑन्टेरियो में स्टडी कर रहे हो, ऑन्टेरियो दे दो आप। अब यहाँ ऑन्टेरियो की सिटीज़ पॉपुलेट हो जाएंगी। आपको टोरंटो देना है, एड्रेस देना पड़ेगा। तो एड्रेस मैं एग्जांपल डाल देता हूँ, TTC स्ट्रीट। हाँ, डिग्री लर्निंग इंस्टीट्यूशंस की आईडी। ओ फॉलोड बाय अप टू 20 डिजिट्स। थैंक यू बताने के लिए। वाह, एक्सेप्ट। ओ ड्यूरेशन ऑफ स्टडी एक्सपेक्टेड। ओके, सो मैं डाल देता हूँ 2023। लेट्स से मई से आप कर रहे हो 20। सॉरी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कर्सर है भाई। 4:30। द कॉस्ट ऑफ माई स्टडी विल बी ट्यूशन 1,200। माई स्टे पेड बाय माई सेल्फ। अच्छा, अब आपका एजुकेशन पूछा जा रहा है। आपके पास पोस्ट सेकेंड एजुकेशन इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी कॉलेज अप्रेंटिस ट्रेनिंग? मैंने यस किया, ठीक है। तो सपोज कीजिए 98 डेट ऑफ बर्थ। इंडिया में टिपिकली 18 इयर्स में लोग ज्वाइन करते हैं, तो 2016 में डाल देता हूँ। 2016 मई टू 2020, 4 साल जनरली लगती है। फील्ड एंड लेवल ऑफ स्टडी, सो बीटेक आईटी स्कूल, सिटी टाउन इंडिया। एम्प्लॉयमेंट अब हम लोग फिलअप करेंगे। तो लेट से इस बंदे ने एम्प्लॉयमेंट जो किया है उसका डिटेल डाल दीजिए। मैंने जैसे इसने किया है पिछले सैम्पल केस में कि 2020s के बाद से जॉब कर रहा है, तो वो हम डालते हैं। मैं आपको एक बार गाइड भी दिखा दे रहा हूँ इसका जो साइट पर है, कि पहला क्वेश्चन में तो करंट इन्फॉर्मेशन देंगे और प्रीवियस एक्टिविटी फॉर पास्ट 10 ईयर्स तक का आपको देना है। तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके ठीक बाद आपका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आ जाता है। विद इन पास्ट 2 ईयर्स आपको या फैमिली ट्यूबरक्लोसिस थी नहीं, आपको फिजिकल मेंटल डिसऑर्डर है नहीं, आप अपने वीज़ा वगैरह के कंडीशन के लिए ब्रीच कभी भी किए हो नहीं, आपको वीज़ा वगैरह कभी रिफ्यूज़ हुआ कनाडा किसी और कंट्री का, आप पहले कनाडा के अप्लाई करने के लिए किए हो, मैंने नो किया, अगर है कुछ तो कर दीजिए। आपको कभी भी कोई क्राइम किया है आपने जिसके लिए आप अरेस्ट हुए हो या किया है या चार्ज हुए या कन्विक्ट हुए हैं? मैंने नो। तो गाइज आप बहुत केयरफुली इनको पढ़कर समझकर अपने हिसाब से आंसर दीजिएगा। आपने मिलिट्री मिलिशिया में कभी सर्व किया है? मैंने नो किया, लेकिन आप इनको बहुत ही केयरफुली आंसर कीजिएगा। तो गाइज ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर आप सिग्नेचर का पूछो तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप डिजिटली साइन करते हो एट द एंड पर, तो उसका टेंशन आप मत लीजिए। डेट आप यहाँ पर डाल दीजिए जो भी आपका है उस हिसाब से, और वैलिडेट आप जरूर कीजिए। वैलिडेशन, वैलिडेशन मतलब उसने देखा कि आपने मैंडेटरी फील्ड फॉर्मेट मीट किया है कि नहीं, बट सबमिट करने से पहले आपको उसको जरूर वेरीफाई कर लेना चाहिए। इसको फिर आप सेव कर लीजिए अगर आप इसको, और अब हम दूसरे डॉक्यूमेंट में जाएंगे। तो अब तक देखने